नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग सामान्य विज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़ने वाले पाठ 12 अम्ल क्षारक की पहचान। इसके पहले हम लोगों ने देखा था अम्ल की पहचान कैसी है, क्षारक की पहचान कैसी है, सूचक किसे कहते हैं, इंडिकेटर किसे कहते हैं। यहाँ पर दिया है, पुनरावर्तन के तौर पर मैं इसको फिर से एक बार आप लोगों को रिवाइज कर दूं। हमारे दिन प्रतिदिन भोजन में इन सब चीजों का इस्तेमाल होता है, जैसे नींबू है, इमली है, टमाटर है, सिरका है, विनेगर जिसे कहते हैं, नमक इत्यादि। इन सब पदार्थ जितने भी है सभी का अपना एक स्वाद है, विशिष्ट तरह का स्वाद है, जिसको हम आसानी से पहचान जाते हैं टेस्ट करने के बाद। कि अगर हमें आंखें बंद करके भी दिया जाए इन सब चीजों को टेस्ट करने के लिए, स्वाद के लिए, तो हम बता सकते हैं कि कौन सी चीज खट्टी है, कौन सी चीज मीठी है, और कसैली या कड़वाहट वाली चीज कौन सी है, या तीखा कौन सा चीज। यहाँ पर दिया है नींबू, शक्कर, दही, चूने का पानी, खाने का सोडा, आंवला, इमली, आम, अनार, पानी, इन पदार्थों का स्वाद कैसा है उसे लिखो। तो हो सकता है कुछ इसमें से खट्टा हो, दही अगर ज्यादा दिनों की हो गई है या एक दो दिन उसे रख दिया है उसमें खट्टापन ज्यादा आ जाता है। कसैला होता है चूने का पानी, खाने का सोडा भी कसैला होता है। आंवला भी स्वाद में या कड़वा कह सकते हैं, आंवला में खट्टास होती है, खट्टा होता है, विटामिन सी की मात्रा अधिक होती है। इमली भी खट्टी है। आम अगर पका हुआ है तो मीठा है, अनार अगर पका है तो मीठा है, पानी स्वादहीन होता है। तो इस तरह से इन सब चीजों का स्वाद हम ले चुके हैं, बता सकते हैं कि कौन सी चीज किस स्वाद की है। अब फिर अम्ल के बारे में हम लोगों ने देखा था, अम्लीय पदार्थ कौन कौन से हैं। जो भी पदार्थ खट्टे हैं वे सारे अम्लीय पदार्थ हैं, एसिड्स किसे कहते हैं। अब इन पदार्थों में इस स्वाद को बदलने के लिए जिस यौगिक का उपयोग होता है उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल पानी में घुलनशील होते हैं और वे क्षरण कारक भी होते हैं। प्राणी और वनस्पति में भी अम्ल होता है। हम लोगों ने देखा कि अम्ल बहुत सांद्र स्वरूप के भी होते हैं और वीक एसिड जिसे कहते हैं छीण स्वरूप के भी होते हैं। सांद्र अर्थात बहुत ही तीव्र दाहक स्वरूप के, कॉन्सेंट्रेटेड जिसको कहते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक अम्ल है। ये सब बहुत सारे अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही घातक है, किंतु जो वनस्पति और प्राणियों में पाए जाने वाले अम्ल है वे हमारे शरीर के लिए एक तरह से पाचक द्रव्य का भी काम करते हैं, वे हानिकारक नहीं होते। तो जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स है उसको हम लोग सौम्य अम्ल में, वीक एसिड, छीण एसिड में बना सकते हैं। अगर उसमें धीरे धीरे पानी की मात्रा को बढ़ाएं, धीरे धीरे पानी डालें, वह वीक एसिड बन सकता है। ये सब चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ी है। अब कुछ चीजें ऐसी है सूचक, पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय, सभी चीजों को हम चख नहीं सकते, बहुत सारी चीजों को हम स्पर्श नहीं कर सकते, उसका स्वाद नहीं ले सकते, क्योंकि वे हानिकारक होते हैं, हमें हानि पहुंचा सकते हैं, त्वचा पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एसिड्स हैं, ऐसे बहुत सारे अम्ल हैं, और उसी तरह से क्षार भी है। अब उन सब चीजों को पहचानने के लिए जिस चीज का उपयोग होता है उसे कहते हैं सूचक, इंडिकेटर। विशिष्ट तरह का पदार्थ है ये, जैसे हम लोगों ने देखा लिटमस पेपर। लिटमस पेपर किसका बनता है, कागज, लाइकेन एक तरह का कागज है, पत्थर फूल नामक वनस्पति के अर्क से तैयार किया जाता है। उसमें से फिनोफ्थलीन सोल्यूशन है, मिथाइल ऑरेंज है, मिथिल रेड है। अब ये सब जो है यह एक तरह से सूचक का कार्य करते हैं, एक इंडिकेटर का कार्य करते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि सूचक पदार्थों के नाम, सूचक के मूल रंग क्या है, अम्ल में इसका रंग क्या होता है, क्षारक में रंग क्या होता है। जैसे लिटमस पेपर है, नीले रंग का लिटमस पेपर है, अगर हम लोग उसे किसी भी एसिड में लेकर जाएंगे, अम्ल में रह जाएंगे, तो वह नीले रंग का स्ट्रिप की तरह या पतला पेपर है, इसे लिटमस पेपर कहते हैं। नीले रंग का पेपर सूचक अगर हम लोग अम्ल में ले जाते हैं वह लाल हो जाता है, अर्थात नीला रंग लाल रंग में बदल जाता है। इन सब चीजों को हम प्रयोगशाला में देख सकते हैं।
जैसे नींबू पानी है, नींबू पानी के अंदर अगर हम लोग लिटमस पेपर नीले रंग का ले जाएंगे वह लाल हो जाएगा, और लाल लिटमस पेपर अगर ले जाएंगे तो लाल ही रहेगा, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन इसी नीले लिटमस को अगर हम लोग छार में ले जाते हैं तो नीला ही रहेगा, और लाल रंग का लिटमस पेपर अगर है छार में ले जाएंगे तो उसका रंग नीला हो जाएगा। इस तरह से जो लिटमस कागज है वह एक तरह से इंडिकेटर का काम करता है, सूचक का काम करता है, हमें पहचान बताता है कि दिया गया जो सोल्यूशन है, जो दिया गया पदार्थ है, वह क्षारीय है या अम्लीय है। तो इन सब चीजों को पता करने के लिए हम लोग क्षार या अम्ल इस चीज को पता या उदासीन है, तीनों बातें हम जान सकते हैं कि दिया गया पदार्थ अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, उसे पता करने के लिए लिटमस पेपर का उपयोग कर सकते हैं। लिटमस पेपर के दो रंग, लाल लिटमस और नीला। उसी के साथ साथ मेथिल ऑरेंज है, उसका मूल रंग नारंगी है, फेनोफ्थलिन सॉल्यूशन है जो रंगहीन है, उसी तरह से मेथिल रेड जिसका रंग लाल। तो ये जो पदार्थ है यह सूचक के रूप में कार्य करते हैं। अम्ल में उसका रंग किस तरह से होगा इस टेबल में दिया है, और क्षार में किस तरह से परिवर्तित होता है यह दिया गया है। इन सब चीजों को पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा है, पहले भाग में। अब घरेलू सूचक कुछ चीजें ऐसी है जिसका उपयोग हम लोग घर पर भी एक तरह से सूचक के रूप में कार्य कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं पहचानने के लिए कि दिया गया पदार्थ अम्लीय है क्षारीय। जैसे हल्दी है, लाल गोभी है, मूली है, टमाटर है, गुड़हल है, गुलाब, ये सभी प्राकृतिक सूचक है, इसका हम लोग सूचक की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया गया है किस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे सिरका है, सिरका में एसिटिकम्ल, एसिटिक एसिड, संतरा में एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इसी के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था अम्ल के मुख्य गुणधर्म कौन कौन से हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, अम्ल के अणु में हाइड्रोजन एच आयन प्रमुख होता है, एच पॉजिटिव एच आयन प्रमुख मुख्य घटक होता है। अम्ल के साथ धातु अभिक्रिया करके हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। अगर धातुओं पर हम लोग एसिड प्रवाहित करते हैं, एसिड डालते हैं, अम्ल डालते हैं, उसमें से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। अम्ल की कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे शाहबादी स्टोन है, मार्बल के चिप्स है, चॉक का पाउडर है, उसके ऊपर अगर हम लोग एसिड डालेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, उसमें से CO2 गैस रिलीज होती है। हम लोगों ने देखा अम्ल को पहचान करने के लिए हम लोगों ने नीले लिटमस पेपर का उपयोग किया। नीला लिटमस कागज अम्ल में डालने पर लाल रंग का हो जाता है, परिवर्तित होकर के उसका रंग लाल हो जाता है। और अम्ल के मुख्य उपयोग दिए गए रासायनिक खाद के रूप में जो फर्टिलाइजर्स उपयोग करते हैं हम, उसमें किया जाता है, तेल के शुद्धिकरण की प्रक्रिया में किया जाता है, औषधियों में, रंग में, विस्फोटक द्रव्यों के निर्माण में। अलग अलग क्लोराइड लवण बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग करते हैं। तरु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग बैटरी विद्युत सेट में करते हैं। हम लोगों ने देखा ऑटो के अंदर बैटरी होती है, कार के अंदर जो बैटरी होती है उस बैटरी में पानी होता है, उस वह जो पानी होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है, विद्युत सेल में इसका उपयोग करते हैं। पानी को जंतु विरहित करने के लिए तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। जंतु विरहित अर्थात उसके अंदर जो बैक्टीरिया है, जर्म्स है, उसको मारना है, उसे खत्म करना है, तो भी एसिड का उपयोग करते हैं। कागज की जो लुगदी होती है उसे सफेद रंग का बनाने के लिए, वो थोड़ा सा क्रीमिस कलर का होता है या पीले रंग का होता है, उसे सफेद बनाने के लिए अम्ल का उपयोग किया जाता है। हम लोगों ने देखा कि ऐसे अनेक जो अम्ल है, कुछ अम्ल ऐसे हैं जो हमारे शरीर के लिए पोषक है, आवश्यक घटक में उसका इस्तेमाल होता है। जैसे कार्बनिक अम्ल हमारे शरीर और वनस्पति में पाए जाते हैं, वे लाभदायक होते हैं। उसी तरह से हमारे शरीर में DNA, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड यह अम्ल होता है जो हमारे अनुवांशिक गुणधर्मों को निश्चित करता है। अनुवांशिक गुणधर्म क्या है? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होने वाले गुणधर्म, उसे कहते हैं अनुवांशिक गुणधर्म। प्रथिन
प्रोटीन जिसे कहते हैं शरीर को कोशिकाओं का वह भाग है, वह अमीनो अम्ल से बना होता है, अमीनो एसिड से। उसी तरह से शरीर में वसा फैट, यह वसीय अम्ल या फैटी एसिड से बना है। और आज हम लोग पढ़ने वाले क्षारक जिसे कहते हैं बेस। अब तक हम लोगों ने अम्ल के बारे में पढ़ा था, एसिड के बारे में पढ़ा था, इस भाग में हम लोग सीखेंगे क्षारक क्या है, बेस क्या है। क्षारक एक ऐसा पदार्थ है जिसका जलीय द्रव्य हाइड्रोक्साइड OH, हम लोगों ने देखा है एसिड में H+H आयन जो होता है वह कंटेंट होता है, हाइड्रोजन प्रमुख एच, और यहाँ पर हाइड्रोक्साइड OH, OH किसमें, बेस में इसका निर्माण करता है। उदाहरण NaOH एक्वियस सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड, Na+ एक्वियस OH नेगेटिव या हाइड्रोक्साइड सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, यहाँ पर दिया है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सब पाउडर दिखने में एक ही तरह के हैं, लेकिन उसकी जो बनावट है वे अलग अलग चीजों से मिलकर के बने। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, के पोटेशियम OH इसका भी मेन कंटेंट है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, यह सॉल्यूशन है एक तरह का। अब यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इन सभी चीजों में जो मेन कंटेंट है OH है, हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं OH, NaOH, Na मीन सोडियम, OH हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड K से पोटेशियम, OH हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca कैल्शियम, OH2 हाइड्रोक्साइड, वैसे ही मैग्नीशियम MgOH2 हाइड्रोक्साइड, अमोनियम NH4 और OH। तो ये सब क्षारक के कुछ उदाहरण है। क्षारक का जो पहचान है क्षारक की, वह सबसे इंपॉर्टेंट OH कंटेंट इसमें होता है, हाइड्रोक्साइड होता है इसमें। अब क्षारक के नाम दिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसे कास्टिक सोडा कहते हैं, इसका उपयोग है कपड़े धोने के साबुन में, इसका उपयोग होता है। अगर कपड़े धोने के जो साबुन है उसका कंटेंट देखें हम लोग, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें मिली है उसमें हमें यह कंटेंट भी दिखाई देगा। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसका सूत्र है NaOH। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक पोटास जो नहाने के साबुन में शैम्पू में इस्तेमाल होता है, KOH। अर्थात जो कपड़े का साबुन और नहाने के साबुन में थोड़ा सा फर्क होता है वो इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड है कपड़े के साबुन में, और नहाने के साबुन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा ज्यादा सॉफ्ट होता है नेचर में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने का पानी CaOH2, चूना रंग सफेदी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, चूने का चूना की जो पुताई होती है गांव में अगर हम लोगों ने देखा होगा, यहाँ तो पेंट का इस्तेमाल ज्यादा होता है, पहले चूने के पानी का ही इस्तेमाल होता था घरों में सफेदी लाने के लिए, दीवारों पर सफेदी लाने के लिए CaOH2। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया अम्ल विरोध औषध के रूप में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH खाद बनाने के लिए, पहले हम लोगों ने देखा जो फर्टिलाइजर्स है केमिकल फर्टिलाइजर्स उसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का उपयोग होता है। क्षारक के सूत्र तथा उनके उपयोग यहाँ पर दिए गए, इस चार्ट को ध्यान रखना है और इसके जो कंटेंट है इसके जो सूत्र है उपयोग है इसे आप लोगों को याद रखना है, याद करना है, आगे की कक्षाओं में भी यह सब आएगा। किसी भी पदार्थ को पहचानने के लिए उस पदार्थ का स्वाद लेना, सूंघना या उन्हें स्पर्श करना उचित नहीं है, ऐसा करने से हमारे शरीर को हानि हो सकती है, इस बात को सदैव ध्यान में रखना है। जैसे हम लोगों ने बताया कि नींबू खट्टा था, अम्लीय है, तो इस तरह से स्वाद लेकर के पहचाना, लेकिन हर चीज का स्वाद हम नहीं ले सकते, उसको पहचानने के लिए एक विशेष प्रक्रिया है। जैसा मैंने बताया जो सूचक है इंडिकेटर्स है वे बता सकते हैं दिया गया पदार्थ जो है क्षारीय है अम्लीय है या उदासीन। अब यहाँ पर दिए गए क्षारक के कुछ गुणधर्म, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, क्षारक को स्पर्श करने पर चिकना लगता है, जैसे साबुन है उसे हम स्पर्श करेंगे तो वह चिकना लगता है। क्षारक का प्रमुख घटक हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन, केटायन और एनायन जिसे कहते हैं, एनायन
सामान्यतः धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। जो धातुओं के ऑक्साइड्स बनते हैं रिएक्ट करके वे ज्यादातर क्षारीय होते हैं। तो क्षारक के मुख्य गुणधर्म कौन से? क्षारक का स्वाद कड़वा होता है, क्षारक को स्पर्श करने पर वह चिकना लगता है, क्षारक का प्रमुख घटक हाइड्रोक्साइड OH आयन होता है। सामान्यतः जो धातु के ऑक्साइड्स हैं वे क्षारीय होते हैं। अब यहाँ पर उदासीनीकरण की प्रक्रिया दी है। हमने देखा कि अम्ल में हाइड्रोजन आयन है, देखा हम लोगों ने एच जो है वह मेन कंटेंट है एसिड का, अम्ल का, और क्षारक जो मेन कंटेंट है हाइड्रोक्साइड आयन OH नेगेटिव। अम्ल और क्षारक अगर दोनों को हम लोग मिलाते हैं तो लवण और पानी का, सॉल्ट्स और वाटर का निर्माण होता है। एग्जाम्पल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में अगर हम लोग NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है और H2O पानी का निर्माण होता है। अब ये सोडियम क्लोराइड क्या है? एक तरह का लवण है, नमक जो खाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। दो चीजों से मिलकर के बना है, Na मीन्स सोडियम, Cl मीन्स क्लोराइड। मिक्स किससे के साथ किया हम लोगों ने? अम्ल और क्षार के साथ। इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम मिक्स करेंगे एक निश्चित मात्रा में तो जाकर के NaCl और H2O पानी का निर्माण होगा। और इस तरह की जो अभिक्रिया होती है उसको कहते हैं उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड है न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। अब यहां पर दिया है किस तरह से उदासीनीकरण, एक एसिड के साथ अगर हम बेस को मिक्स करते हैं उसका रंग किस तरह से परिवर्तित होता है, इस JIF के माध्यम से हम देख सकते हैं। अब क्या तुम जानते हो, इसके बारे में जानकारी दी गई है, हमारे जठर में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, उसके कारण अन्न का पाचन सुलभता से होता है, परंतु ये अम्ल आवश्यकता से अधिक होने पर अपचन होता है। इस पर उपाय के रूप में सामान्यतः क्षारीय औषधियां दी जाती है, उसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 का समावेश होता है। जब कभी भी एसिडिटी की तकलीफ होती है तो थोड़ा सा इनो, एक छोटा सा पैकेट आता है, उसको हम लोग पानी के अंदर मिक्स करके पीते हैं। तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया, अम्ल के ऊपर क्षार का इस्तेमाल करने पर वह उदासीन हो जाता है। तो उसी तरह का उदाहरण यहाँ पे दिया है, ऐसे क्षारीय पदार्थ जठर में स्थित अतिरिक्त अम्ल का उदासीनीकरण कर देते हैं। रासायनिक खादों का अनावश्यक व बेसुमार उपयोग करने से कृषि भूमि में अम्ल का अनुपात बढ़ता है। जब जमीन अम्लीय हो जाती है तब जमीन में क्षारीय चूने का पत्थर या चूने का पानी जैसे रसायन कृषि तज्ञ के मार्गदर्शन में डालते हैं। इस प्रकार क्षारक जमीन के अम्ल का उदासीनीकरण करते हैं। यहाँ पर भी उदासीनीकरण की एक प्रक्रिया जो हमारे शरीर में होती है, शरीर के अंदर जब एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, खट्टी डकार आती है, अम्ल आता है बार बार बाहर, हमें कष्ट होता है, तकलीफ होती है, तो ऐसे समय में हम इनो का एक पैकेट लेते हैं, अर्थात वो क्षार है, उसको जब पानी में मिक्स करके पीते हैं तो उदासीनीकरण की प्रक्रिया हमारे जठर में होती है और जो अतिरिक्त अम्ल है उसका उदासीनीकरण होता है। उसी तरह से रासायनिक खादों का उपयोग होता है। अगर बहुत ज्यादा उपयोग फर्टिलाइजर्स का खेतों में किया गया तो वहां की जो भूमि है उसमें एसिड की मात्रा बढ़ गई। अब एसिड की मात्रा बढ़ जाने पर भी उसकी फर्टिलिटी कम होगी, उर्वरक क्षमता कम होगी, तो ऐसे समय पे जो रसायन कृषि तज्ञ होते हैं उस सॉइल को टेस्ट करते हैं, उस मिट्टी को टेस्ट करते हैं, उसके बाद अगर उसमें अम्ल की मात्रा आवश्यकता से अधिक है, उसके अंदर क्षार के रूप में चूने का पत्थर या चूने का पानी डालते हैं, जिससे वहां की जो अम्लीय मृदा है, मिट्टी है, उसका उदासीनीकरण होता है और जो उसकी क्षारकता है उस क्षार के कारण अम्ल पूरी तरह से न्यूट्रल होता है, फिर से उसे उर्वरक शक्ति प्राप्त होती है इस मृदा को, उस मिट्टी। धन्यवाद बच्चों, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा।